लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अद्वैत आश्रम में किया भ्रमण। कहा, मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की अवधारणा के अनुरूप चल रहा भारत। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में घटिया निर्माण कार्य की पोल एक बार फिर खुली। शनिवार को तालुका ओसाला पैदल मार्ग पर बनी 32 लाख की पुलिया भरभरा कर गिरी। गनीमत रही कि जिस समय पुलिया टूटी उस समय कोई पुलिया पर आवाजाही नहीं कर रहा था। पुलिया ढह जाने से चार गांव की आवाजाही बाधित हुई। जिला मुख्यालय चंपावत के मुजियानी स्थित माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशनल के बहुउद्देशीय शैक्षिक परिसर के शिलान्यास एवं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड शिविर के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुउद्देशीय शैक्षिक परिसर का शिलान्यास के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, इस शैक्षणिक संस्थान से जनपद चंपावत के एक शिक्षा के हब में आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से चंपावत शिक्षा का हब बनेगा। खड़गपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरुबैंड के समीप चलती बाइक से खींच ले गया युवक को गुलदार, बाल बाल बची जान। मालूम हो पिछले दिनों गुलदार ने गेस्ट हाउस में घुसकर आरजीबीएल के एक कर्मचारी को किया था घायल। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चंपावत में समस्त दिव्यांगजनों को अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज एक फोटो और अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट मोबाइल नंबर लाना बेहद जरूरी है। आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।